साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे एक बकरी का थन रैप्चर हो गया है। रैप्चर होने का साथियों कारण यह है कि ये बकरी चरने गई थी और जहाँ चरने गई थी वहाँ ब्लेड के तार से खेतों में तार लगे हुए थे। और आजकल जो है लोग फसल को बचाने के लिए जंगली जानवरों और गायों से बचाने के लिए तारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों जब बकरी इस तारों से क्रॉस हुई तो उस कंडीशन में इसका थन जो है रैप्चर हो गया था, यानी फट गया था बुरी तरह। ये हमें पशुपालक ने भाई ने बताया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उस समय साथियों बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से हम इसकी क्लिप टांगे भरते समय नहीं ले पाए। और आप देख रहे हैं हमने इसके 20 से 22 टांगे लगा दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और थन एकदम बिल्कुल सक्सेस हो गया है, ठीक हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी दूध आने पर लीकेजिंग नहीं हुई है, लीकेज नहीं हुआ है और थन बिल्कुल ठीक है। इस कंडीशन में अगर कोई भी ऐसे जख्म ब्लेड से या तार से या चोट लगने से फट जाए तो तुरंत उसमें हाली टांगे भरवाने चाहिए और अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों मौसम में काफ़ी नमी है तो हमने अच्छे से अच्छे एंटीबायोटिक का यूज़ किया है। तो इस इंजेक्शन के बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या काम करता है, तो लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो में काफ़ी अच्छे होने वाला है। इसका नाम है साथियों अमोक्सीरम फूड और इसमें स्टार्ट होता है अमोक्सीसिलिन सोडियम सल्बेक्टम सोडियम 4 इंजेक्शन। ये 4500 mg का होता है, ये हर कहीं पर अवेलेबल होता है। साथ ही विरवैक कंपनी का है। इसकी डोज की बात करें तो हम डोज के साथ ही उसमें 3 से 4 इंजेक्शन, ये 4500 mg का है, 4 से 5 डोज हमने इसको कटोरी में निकाल के किसी बर्तन की सहायता से निकाल के पाउडर को 1 से 1.5 ml पानी में पर डे इसको हमें बकरी को लगाना है, यानी पूरा नहीं लगाना है, 4 से 5 खुराक करनी है पाउडर को निकाल कर, और डिस्टिल वाटर में 1.5 से 2 ml। साथियों इसी तरह इंजेक्शन काफ़ी अच्छा काम करता है। और थन में सूजन आना, कहीं पर छिछड़े आना और अचानक भाग पत्थर से हो जाना, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा काम करता है और अपने डॉक्टर की सलाह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है साथियों 340 रुपये है और लगभग आपको मेडिकल पर आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। और ज़्यादातर ये जख्म सुखाने और मैस्टाइटिस के केस में बकरियों में थन में सूजन आना और अचानक भाला जैसे निकल जाना, उस कंडीशनों में बहुत ज़्यादा कारगर होता है इंजेक्शन। तो साथियों इसी के साथ आप अलविदा लेता हूँ।